हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक आज बहुत बेहतरीन वीडियोस लेके आया हूँ आपके लिए। वीडियो को लास्ट तक देखना और हमारे इस चैनल को बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझको मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको इसी तरीके से वीडियो लाता रहूँ, अच्छे अच्छे शेयर बताता रहूँ। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट अगेन आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अगर डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो आपका एंजल ब्रोकिंग में फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। जीरो डिलीवरी चार्जेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ क्लिक करेंगे, फ्री में एंजल ब्रोकिंग के साथ आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। प्लस में बहुत अच्छा इनका सर्विसेज है, कस्टमर सर्विस है, एज वेल एज बहुत अच्छा इनका एप्लीकेशन है। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर चार्ट देखिए। ओके, मैक्स अगर हम एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हम ऑलवेज कहते हैं कि लंबे नज़रिया रखना चाहिए, लंबा नज़रिया रखना चाहिए। बट ये जो शेयर मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि विद इन वन ईयर आपको बहुत अच्छे खासे पैसे कमा के ये शेयर दे सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म इसे रखना मत अपने पोर्टफोलियो में, ये मैं खुद ही अपने आप से बोल रहा हूँ। बट शॉर्ट टर्म के लिए, ये 2021 के लिए ये शेयर बहुत अच्छा साबित हो सकता है और आपको अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न बना सकता है। और बात करूँ 2 महीने में, तो 2 महीने में 190 और 100% के रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं 6 मंथ में। और कौन सी कंपनी है उसके रिलेटेड भी हम बातें करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ और भी चीज़ें बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए 52 वीक लो की बात करें तो मार्च में 60 रुपये पे शेयर था। ओके, एज वेल एज अगर हम बात करें 52 वीक हाई, तो आज के दिन ही इसने लगाया है 189 रुपीज़ का, इसका 52 वीक हाई है। ओके, एज वेल एज अगर हम बात करें यहाँ पर 30% की यहाँ डिलीवरीज, 52,45,704 से शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे उठाए गए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी इंफॉर्मेशन की, तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स का 50.14% की हिस्सेदारी है। बट अभी आपको और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। पब्लिक की हिस्सेदारी 49.50% की है। फॉरेन इन्वेस्टर, LIC, वो ICICI बैंक, ICICI ग्रुप, मतलब बहुत बड़े बड़े प्लेयर इसमें शामिल है इस कंपनी में, तो उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। डिविडेंड देखिए, डिविडेंड कंपनी देती आई है, हर बार दो या एक बार डिविडेंड देती है। 2019 में यहाँ पर एक बार दिखाई दे रहा है, 2020 में देखिए यहाँ पर मार्च में भी दिया था, और अभी भी देखिए यहाँ पर डिविडेंड दिया है 9.50% रुपीज़ का डिविडेंड। बट डिस्क्लेमर अगेन, प्रमोटर्स के पास 50% की हिस्सेदारी है, उसमें से 99.99, मतलब 100% कह सकते हैं कि हिस्सेदारी उन्होंने गिरवी रख रखी है। बट स्टिल आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस स्टॉक। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे आने वाला जो भारत है उसके पीछे का रीज़न है, और जिस तरीके से ये कंपनी जो स्टैंड करती है उसके पीछे रीज़न है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा। तो जिस कंपनी से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी। कंपनी का नाम है वेदांता लिमिटेड। करती क्या है? करती ये देखिए, वेदांता लिमिटेड इज अ माइनिंग कंपनी बेस इन इंडिया विद इट्स मेन ऑपरेशन इन आयरन ओर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम माइंस इन गोवा, कर्नाटका, राजस्थान एंड उड़ीसा। वेदांता लिमिटेड ये वही कंपनी है कुछ टाइम पहले जिसके डीलिस्ट की खबरें आई थी। ओके, जिसका डीलिस्ट फेल हो गया था। इसने शेयर कितने रुपये, 90 या 100 रुपीज़ के आसपास इसने लोगों से अपने शेयर मांगे थे। ओके, कहा था कि इतने रुपये पे दे दीजिए, इतनी इसकी वैल्यू है। बट LIC ने साफ साफ मना कर दिया। LIC ने कह दिया इसकी जो वैल्यू है वो है 350 रुपीज़। 350 रुपीज़ इसकी जो कंपनी के पर शेयर की वैल्यू है 350 है, और हम ऐसे नहीं दे देंगे और ऐसे ही हम नहीं देंगे क्योंकि हम बेवकूफ़ नहीं है। और देखिए वही साबित होता आ रहा है। देखिए डीलिस्टिंग तो फेल हो गई, बट अगर हम बात करें यहाँ पर 6 मंथ की, तो यहाँ देखेंगे डीलिस्टिंग यहाँ पर चल रही थी और ये शेयर फिर यहाँ पर गिरते गिरते आया था। ओके, यहाँ पर, और फिर यहाँ पर तो मैंने भी एक दो शेयर लिए थे मैंने डीलिस्टिंग के बाद ही, यानी कि देखते हैं क्या होता है। ऑब्वियसली बात है, डीलिस्ट क्या होता है एक बार पता चल जाएगी हमें भी, क्योंकि हम भी क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर है, एक बार देख लेंगे। बट यहाँ से अगर मैं बात करूँ 1 महीने की, तो देखिए 1 महीने में 95% के रिटर्न्स इसने दे दिए, आपके पैसों को लगभग डबल ही कर दिया है इस कंपनी ने। और मैं इसको क्यों कह रहा हूँ कि ये आने विद इन वन ईयर क्यों इतना भागेगी, इसके पीछे भी रीज़न है। देखिए पहले 5 साल का अगर मैं आपको बताऊँ, तो 5 साल पहले ये कंपनी लगभग 2018 में ही, 2 साल पहले 345 पे चल रही थी, और अभी ये उसके अगर हम देखें तो लगभग 48% डाउन है। तो मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि ये जो 350 का टारगेट है ना, ये इस साल में कंप्लीट कर लेगी। जो इसकी
ओरिजिनल वैल्यू है, जो LIC ने इसकी वैल्यू बताई थी कि 350 रुपीज़ की ओरिजिनल वैल्यू है, ये ऑब्वियसली उसके पास जरूर पहुंच जाएगी। मैक्सिमम तो इसकी और हाई ज़्यादा है, यहाँ पर अगर हम देखें मैक्सिमम तो लगभग मैक्सिमम 450 रुपये के आसपास, 470 रुपये के आसपास इसकी मैक्सिमम है, 2010 में थी। बट हम ज़्यादा नहीं, हम यहाँ पर ले रहे हैं कि 50-40% की रिटर्न हमें दे देगी, जैसे कि LIC ने कहा था कि इसके पर शेयर की वैल्यू 350 है। तो 350 से पहले हम 90 और जो ये डिलिस्ट के टाइम पर प्राइस दे रहे थे उसे में हम नहीं लेंगे। तो क्यों कह रहा हूँ, देखिए वेदांता एक तो बहुत बड़ा ग्रुप है, यहाँ पर आप देखेंगे ना तो देखिए हिंदुस्तान जिंक, इलेक्ट्रो स्टील, यहाँ पर जितनी भी कंपनीज है ना सब इसकी सब्सिडरीज कंपनी है वेदांता लिमिटेड की। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी इसकी सब्सिडरीज कंपनी है, ये लिस्ट और भी आगे आगे बढ़ती जाएगी। तो पहली बात तो इतनी सारी कंपनी सी, मतलब ये पेरेंट ग्रुप है और ये इतनी सारी इसकी सब्सिडरीज कंपनी है। दूसरी अगर हम बात करें न्यूज़, तो देखिए वेदांता ग्रुप 300 3000 करोड़ में, ओके अभी इसने जो वीडियोकॉन्स के एसेट है ओके उसके लिए इसने बोली लगाई थी, जिसके लिए वीडियोकॉन सिलेंडर गिव नोड, मतलब उन्होंने हाँ कर दिया है वेदांता को 300 3000 करोड़ में ये उसके एसेट देने के लिए, एक एक न्यूज़। अगर हम बात करें यहाँ पर BPCL की, तो देखिए कुछ टाइम पहले $8 बिलियन में BPCL खुद ही कह रहा था कि हमें पूरा का पूरा स्टेक दे दो $8 बिलियन में। तो वेदांता टू रेस $8 बिलियन फॉर BPCL बिड, खुद बताइए इतने बड़े बड़े बिड लगा रहा है और आपके शेयर्स की वैल्यू कितना दे रहा था, 90 रुपीज़। तो लोगों ने बेचा भी होगा बट LIC ने मना कर दिया और वहाँ पर फेल होती हुई नज़र आई ये डीलिस्टिंग। तो अगर हम इसके फंडामेंटल्स भी यहाँ पर चेक करते हैं तो देखिए कंपनी की मार्केट वैल्यू काफ़ी हाई है, लगभग 69,000 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर मार्केट वैल्यू है। एज वेल एज अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स की, तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स 2017 में 24,361 करोड़ रुपीज़ की सेल थी, जो कि अभी लगभग लगभग 21,107 करोड़ रुपए की सेल है। यहाँ पेंडामिक का असर था बट ऑपरेशन फुल जोर से अभी शुरू हो गया है, और प्लस में जैसे कि न्यू इंडिया की बात की जा रही है तो न्यू इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तभी लोग भारत में आएंगे, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की उन्नति में काफ़ी मदद करता है। तो अगर यहाँ वहाँ पर होगा तो इसका काम ही एल्यूमिनियम एज वेल एज इसकी सब्सिडरीज कंपनी एल्यूमिनियम का काम करती है, आयरन का काम करती है, जैसे कि मैंने आपको माइनिंग से रिलेटेड काम बताया था। तो एक साल के अंदर अंदर ये कंपनी काफ़ी बढ़ सकती है, काफ़ी इसे फ़ायदा हो सकता है, और ये 350 का जो टारगेट बताया मैंने आपको इजीली अचीव होता हुआ हमें नज़र आ सकता है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए कंपनी घाटे में चल रही थी और पिछले 2 क्वार्टर से क्या 824 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, और जो कि आगे आपको इस साल तक तो बढ़ता हुआ ही नज़र आएगा जो मुझे लगता है पर्सनली। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की, तो यहाँ पर अगर ईयरली बेस पर बात करें पिछले 10 साल की, तो प्रॉफिट देख लीजिए, प्रॉफिट यहाँ पर 1,988 करोड़ रुपया, जो बढ़ते बढ़ते बट यहाँ पर अभी नुकसान में आपको दिखाई दे रहा है, बट धीरे धीरे मेरे को लगता है कि ये आगे पॉजिटिविटी में आ जाएगा, आपको प्रॉफिट होता हुआ यहाँ पर साफ नज़र आ जाएगा यहाँ पर। और अगर हम बात करें यहाँ पर बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में पहले ही बता चुका हूँ 100% के शेयर यहाँ गिरवी रख रखे। रिजर्व्स देख लीजिए, रिजर्व्स कंपनी के पास लगभग 55,903 करोड़ रुपए के तो रिजर्व्स है, कितने बेहतरीन बड़े रिजर्व्स है। बोरिंग की बात की जाए तो बोरिंग भी देखिए घटते हुए मैनर में है। पहली बात तो पहले 66,000 के आसपास थी, फिर 59 हुई और अभी लग 49, मतलब अपनी बोरिंग को कम कर रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है ये। और एज वेल एज अगर हम बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, तो कंपनी के पास 19,155 करोड़ रुपए का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, 16,509 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने कर रखा है। टोटल एसेट की बात की जाए तो बढ़ते हुए, जहाँ 5,000 मतलब 10 साल पहले 5,401 करोड़ रुपए की एसेट थी, अभी 1,82,564 करोड़ रुपए की यहाँ पर इनके पास एसेट है। इसलिए ही LIC ने यूं ही नहीं कहा था कि इस कंपनी की वैल्यू 350 रुपीज़ पर शेयर की है, ओके। एज वेल एज अगर कैश की बात की जाए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से तो 20,000 करोड़ के आसपास कैश भी इनके पास है। तो हर पैरामीटर पे यहाँ नज़र अच्छी कंपनी नज़र आ रही है। प्रोमोटर्स की बात की जाए, प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी तो सेम है 50.14। फॉरेन इन्वेस्टर देखिए क्या भर भर के ले रखे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर तो हमसे ज़्यादा समझदार है, 17.50% की हिस्सेदारी फॉरेन के पास है। DIS की बात की जाए तो DIS में जैसे कि मैंने आपको बताया था लाइफ इंश्योरेंस LIC 5.58% की हिस्सेदारी रखता है, HDFC ग्रुप 2.79% की, ICICI प्रूडेंशियल यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि ICICI ग्रुप जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्रेज फंड लगभग 4.36% की हिस्सेदारी यहाँ पर रखता है। तो 16% की हिस्सेदारी तो इन्हीं लोगों की है।
अगर हम बात करें यहाँ पर पब्लिक की, तो पब्लिक का 15.68% की हिस्सेदारी है। उसमें से भी देखिए सिटी बैंक, ओके, पीटीसी केबल, इन्होंने अब 5-6% की हिस्सेदारी ले रखी है। और अदर्स की बात कर रहे हैं तो 3.36% की हिस्सेदारी है। तो देखिए यहाँ पर प्रमोटर्स की एज वेल एज LIC, बड़े बड़े ग्रुप ने यहाँ पर शेयर ले रखे हैं। तो ये शेयर आगे चल के आपको काफ़ी बेहतरीन आपको परफॉर्मेंस देता हुआ नज़र आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसका जो ये वाला जो लेवल है ना, 2018 वाला, 2017 वाला, इसे तो ये इजीली 2018 वाला लेवल को तो शायद क्रॉस कर सकता है। तो फिर भी आप इन्वेस्ट करने से पहले खुद की स्टडी एज वेल एज फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। ये मेरा पर्सनल व्यू था जो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। एज वेल एज आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के साथ फैलाइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। एज वेल एज अगर बात की जाए आपको अकाउंट ओपन करना था, नीचे लिंक है, इस पर क्लिक करिएगा, फ्री में आपका डीमैट अकाउंट लिंक हो जाए ओपन हो जाएगा। और बॉस ऑफ फिनेंशियल बजाज जो आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।